गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्टैटिक्स जीके में आपका स्वागत है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन उसके लिए थैंक यू, और जो नहीं बाद में वीडियो देख लेंगे जो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अरब लीग्स। अरब लीग क्या होती है, अरब लीग्स होते कौन हैं, अरब लीग्स के अंतर्गत कौन कौन कंट्रीज आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरब लीग से मतलब देखिए अरब की क्या है, कंट्रीज थी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यहाँ क्या करेंगे, खुद की क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। इसको बोलते हैं पूरा अरब राज्यों का लीग। ठीक है, इसे बोलते हैं लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ठीक है, लीग ऑफ अरब स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी कौन कौन से देखिए, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, सेकंड आता है पूर्वी उत्तर अफ्रीका, पूर्वी उत्तर अफ्रीका। ठीक है, फिर आता है दक्षिण पश्चिम या मध्य। पूर्व एशिया कितने साल, इसके अंदर 3 साल। उत्तरी अफ्रीका, पूर्व उत्तर अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी या मध्य एशिया, मध्य पूर्वी एशिया, ये कितने, ये 3 जगह के लोग हैं इसमें शामिल है। और इस पूरे संगठन को, क्षेत्रीय संगठन को, इसको क्या बोलते हैं, अरब लीग्स के नाम से क्या कहता है, इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 की थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 22 मार्च 1945 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत 6 सदस्यों ने क्या किया था, इसको संगठन किया था। कब किया था, 22 मार्च 1945 में क्या हुआ था, 6 कंट्रीज आए, उन्होंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक लीग की स्थापना करेंगे, अपनी लीग स्वयं के क्या करेंगे, लीग बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में हमें कोई भी क्या नहीं करेगा, कुछ बोलेगा। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, इसके अंतर्गत 1949 में, कब 1949 1949। ठीक है, अब देखिए कोई भी लीग बनती है या कोई भी सदस्य देश बनते हैं, आपस में कोई लीग डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें शुरुआत में पहले काम काज देखा जाता है कि उसमें कैसा काम है, कब तक टिकेगी। तो इसके लिए उन्होंने देखा, कितने 4 साल उन्होंने इस चीज़ पर स्टडी की सब देशों ने। और 1949 में क्या हुआ, इसके अंतर्गत मिस्र इराक ठीक है, ट्रांस जॉर्डन, कौन सा, ट्रांस जॉर्डन क्या हो गया, इसके अंतर्गत शामिल हो गए। ठीक है, ट्रांस जॉर्डन क्या हो गया, इसके अंतर्गत शामिल हो गए। और फिर इसके बाद जब ये लोग शामिल हो गए 1949, उसके बाद कौन कौन से, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया भी क्या हो गया बाद में शामिल हो गए। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है, इस सब धीरे धीरे क्या करेंगे, आपको एक चीज करके बताएंगे। ठीक है, कितने सदस्य शामिल हो गए, पहले कितने थे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। परंतु या बट इसके अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में कितने, 22 देश क्या है इसके अंतर्गत शामिल है, यही के शामिल कहा, तो उत्तरी अफ्रीका के, पूर्वी उत्तर अफ्रीका के, दक्षिण पश्चिम एशिया के या मध्य पूर्व एशिया के, इसके अंतर्गत 22 सदस्य क्या है शामिल है। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा एक है, इस लीग को स्थापित करने का क्या है, एक वो है उद्देश्य, क्या उद्देश्य है कि सभी देशों क्या करेंगे, पास लाएंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। ठीक है, अपनी शक्ति क्या है, जैसे किसी से व्यापार के रूप में, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से शक्तियों क्या करेंगे, डेवलपमेंट और भी ज़्यादा अधिक करने की क्या करेंगे,
कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे बीच अच्छे अच्छे कनेक्शन होंगे, तो कोई भी दोस्त क्या नहीं करेगा, हमसे लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या करेगा, जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए ये देश क्या होंगे आगे आएंगे, कितने 22 कंट्रीज के अंतर्गत शामिल आएंगे। एम्स डालते हैं क्या क्या उद्देश्य, ठीक है। एम्स सबसे पहले आते हैं देशों के मध्य क्या होंगे संबंध अच्छे होंगे, कौन से राजनीतिक, राजनीतिक रिलेशन से बहुत मजबूत होंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। और सेकंड बात पे आती है घनिष्ठता बनाना, घनिष्ठ बनाना की मतलब आपसे ही व्यापार, आपसे ही सब कुछ एक तरीके से आर्थिक रूप से सभी रूप से क्या होगा आपसे ही हर चीज को क्या करेंगे तैयार करने की करेंगे कोशिश करेंगे, एक तरीके बहुत घनिष्ठ बनाना है, इसके अंतर्गत ये चीज बताई गई। और फिर ये दो संबंध हो गए तो ये किसके अंतर्गत आए, पहला टॉपिक पहला एम, दूसरा एम क्या रखा है उन्होंने, दूसरा एम रखा सदस्यों की क्या करना स्वतंत्रता और संप्रभुता की क्या करना रक्षा करना, स्वतंत्रता प्रभुता की रक्षा करना, अगर किसी एक देश में संकट आता है तो सारे देश मिलकर क्या करेंगे उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है, और उसके बीच क्या करेंगे उसकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, उसकी स्वतंत्रता की भी क्या करेंगे रक्षा करेंगे सभी देश मिलकर, इसके अंदर ये बताया गया, ठीक है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या रखा है, यदि इन देशों के मध्य में किसी प्रकार का क्या होता है विवाद होता है तो विवादों का समाधान करना, ठीक है, विवादों का क्या करना समाधान करना या मध्यस्था करना, ठीक है, जैसे कोई देश के बीच में क्या है टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, कम माल ज्यादा है और टैक्स सॉरी माल कम टैक्स ज्यादा ले रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज रखेंगे, इसके अंदर सीमा शुल्क मुद्रा कृषि उद्योग संचार इन सब को और संस्कृति राष्ट्र राशि तक पासपोर्ट वीजा नियंत्रण आदि क्या कहते हैं विषयों को जोड़ने से सहयोग को स्थापित करना, मतलब कि हर तरीके से क्या करना आपस में एक समन्वय स्थापित करना जिससे क्या हो शिक्षा, ठीक है, समाज और सीमा शुल्क मुद्रा कृषि उद्योग में क्या मिले हर चीज से क्या मिले सफलता मिलेगी कोशिश करें, ठीक है, इस चीज को क्या किया गया इसके अंतर्गत बोला गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके और भी जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आ सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट आया स्टैटिक्स में, इसका एडमिनिस्टर कहाँ या हेड क्वार्टर इधर की सब लोग बोलते हैं हेड क्वार्टर सिंपल लैंग्वेज में ये है काहिरा, काहिरा में क्या किया गया इसका हेडमिस्टर सेंटर क्या किया गया इसका बनाया गया, इसकी राजनीति भाषा है सऊदी अरब तो ये निवासी है अरब के, ठीक है। बस इसमें ये जो चीज थी इम्पोर्टेंट वो सारी में और जो भी आपको लगता है इसमें कमी है तो आप लोग दोबारा भी कमी में बताइए तो इसमें बता दें, बस इसमें जो चीज़ आ सकती है पेपर्स में सिर्फ वही चीज़ इसमें आपको बताने की कोशिश किया है स्टैटिक्स में, ज़्यादा आउट ऑफ चीज़ें बताने में कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक से और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मेरा, ठीक है।